निफ्टी 50 के लेवल्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको कल निफ्टी 50 में कॉल साइड एंट्री लेना है तो आपको 21560 21550 ब्रेक होने का वेट करना है, या अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21600, उसके बाद 21620 एंड उसके बाद आज का जो डे हाई है 21677 तक आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर कल निफ्टी 50 अपना आज का जो डे लो है वो अगर ब्रेक होता है तो आपको एक 100 पॉइंट्स का फास्ट मूव मिल सकता है। आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21440 21440 अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21370 एंड 2730 अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21278। ये आपको टारगेट्स देखने मिल सकते हैं इन निफ्टी 50। बैंक निफ्टी में अगर आपको कल कॉल साइड एंट्री लेना है तो आपको आज का डे हाई ब्रेक होने का वेट करना है। आज का डे हाई अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 47925 देन 48000 देन 48100 48200 एंड अबो टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आपको पुट साइड एंट्री लेना है तो आपको आज का डे लो ब्रेक होने का वेट करना है, और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो 47650 47600 47640 ब्रेक होने के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 47520, अदरवाइज डे लो ब्रेक होने का वेट करना है। डे लो अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43474000 47400 में वीकली में और डेली में सपोर्ट है वो अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 47260 47200 47100 एंड 47000 तक आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। ऐसा भी लग नहीं रहा है कि वीकली का सपोर्ट टूटेगा, बट कुछ बोल नहीं सकते, पैनिक सेलिंग आया तो वो देखने भी मिल सकता है। और एक स्टॉक है हिंडाल्को, जिसका आज ग्रुप में कॉल दिया था, तो हिंडाल्को एज पर चार्ट्स ₹582-583 तक डाउन साइड जा सकता है, और वो भी अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 576-574 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो आप ये भी चार्ट कल स्टडी कर सकते हो। और आज जो पुट दिया था उसमें 2 या 3 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है, नियर अबाउट 2800 टू 4500 4200 तक शायद प्रॉफिट मिला है। तो ये एक चार्ट आप स्टडी कर सकते हो। और एक कॉल जो ग्रुप में दिया था बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का आज टारगेट जो था सेकंड टारगेट 210-205 तक गया है। बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं, बजाज फाइनेंस 7487 से रिवर्स हुआ है। मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो आज का डे हाई रहेगा, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 7526 7550 7600 7650 7700 इसका अगर आप वीकली का चार्ट स्टडी करें तो पिछली बार
8000 से स्टॉक 6823 से देन अगेन 8167 तक गया था, देन अगेन स्टॉक 6984 से 7700 तक हाई लगा चुका है। तो शायद एज पर जैसे वीकली में हुआ है तो भी स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड बजाज फाइनेंस और हिंडालको का आप चार्ट स्टडी कर सकते हो। एज पर रिस्क कैपेसिटी ट्रेड लें, एग्रेसिव एंट्री बिल्कुल मत लेना, और कोई भी ट्रेड खुद जरूर स्टडी करें, उसी के बाद एंट्री एग्जिट प्लान करें।